हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई। हाँ, मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत लोग पूछते हैं कि हमारा विजिट वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया, क्या कारण है रिजेक्शन का, क्या यूएई वीज़ा इस समय इशू नहीं कर रही है, क्या है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, एक महीना हो गया विजिट वीज़ा अप्लाई किए, अभी तक वीज़ा नहीं आ रहा है। 20 डेज हो गया वीज़ा नहीं आ रहा है, वीज़ा ऑन प्रोसेस ही दिखा रहा है, वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, अब कैसे अप्लाई करना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग हर दिन आते रहते हैं, तो मैंने सोचा सेपरेट वीडियो बना देती हूँ इसके ऊपर कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, वीज़ा रिजेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। जो टॉप के कारण हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला आपका नेशनलिटी, आपके नेशनलिटी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्टेज हैं या इलीगल स्टेज में हैं यहाँ पर, तो फिर आपका भी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का हो रहा है। आपके नेशनलिटी के कारण आपका वीज़ा रिजेक्शन आ रहा है। सेकेंड चीज़ मैं बता देती हूँ कि इस समय जो फोटोग्राफ लग रही है, बहुत लोग पुराने तरीके से ही मोबाइल से क्लिक करते हैं और उसको कोई ऐप है, ऐप से उसको क्लियर वगैरह कर देते हैं और भेज देते हैं एजेंट को। तो मैं बता दूं कि अभी आपको HD क्वालिटी का फोटो ही देना है। जी हाँ, सारे सिस्टम AI में हो गया है, चाहे विजिट वीज़ा हो, रेसिडेंस वीज़ा हो, आपका नॉर्मल वाला फ़ोटो अब नहीं चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें, आपका जो फ़ोटो है वो HD क्वालिटी का अगर नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्शन होगा ही होगा। थर्ड चीज़ जो है कि टाइपिंग एरर, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है और आपका जो डॉक्यूमेंट है आपने जो अटैच किया है, दोनों के जो यानी कि जो कंटेंट है, आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और भी कई चीज़ें रहती हैं, दोनों में कंटेंट्स अलग अलग हैं, टाइपिंग में और आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपका वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा इस कारण से होता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई ट्रस्टेड एजेंट है आपके कंट्री में, आपके सिटी में या फिर यूएई से आप लोग करवा सकते हैं, जो हर दिन वीज़ा वाला काम कर रहा है वहीं से आप लोग करवाइए। अच्छा, उसके बाद ये है कि जैसा कि अभी बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट को मैंडेटरी किया गया है, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं अभी तक। तो अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है या नहीं, यस और नो। तो उसमें अगर यस करते हैं तो ऑल फाइन, अगर आप नो में क्लिक कर देते हैं तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ टॉप के कारण हैं जिसके कारण इस समय पे यूएई के वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और वैसे भी मैंने बताया है कि दिसंबर तक तो वीज़ा रिजेक्शन वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, उसके बाद जनवरी में क्या अपडेट आता है, वीज़ा आने दीजिए, उसके बाद मैं आप सबको अपडेट देते रहूँगी। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।